हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल रोहित हेयर कट ट्यूटोरियल में। और आप लोग देख रहे हो कि कितने कर्ली हेयर हैं, तो इस कर्ली हेयर में हम फेदर विथ लेयर हेयर कट कैसे करेंगे। तो चलिए हमारा हेयर कट शुरू करते हैं। तो हेयर कट करने से पहले सबसे पहले आपको बात है कि सेक्शन कर लीजिए। सेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक प्रोफाइल सेक्शन निकाल लेंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे हमारा वन लेंथ हेयर कट से। तो देखिए इतने कर्ली हेयर को हम फेदर विथ लेयर हेयर कट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें वन लेंथ हेयर कट करना है। वन लेंथ हेयर कट जो कि हमारे हेयर कट का बेस होता है, आप लोग को पता है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारा वन लेंथ हेयर कट हमारा हेयर कट का बेस होता है। तो इससे हमारा डिसाइड होता है कि हमें लेंथ कितना रखना है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हमें पहले वन लेंथ हेयर कट कर लेना है। तो पहले हमने गाइडलाइन क्रिएट किया वन लेंथ हेयर कट का। अब उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम हमारा हेयर कट कम्प्लीट करेंगे। तो अगर आप लोग ने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर मेरे चैनल पर आप लोग नए हो तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी बहुत से हेयर कट के वीडियो आने बाकी हैं। तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप लोग को वो हेयर कट की वीडियो आसानी से मिलती रहे। तो देखिए हमने बैक साइड में हमारा वन लेंथ कम्प्लीट करके हमने हमारा हेयर कट कम्प्लीट किया है। अब हम फ्रंट में करेंगे हमारा बेस। अब हमारे बेस को कम्प्लीट करेंगे। पहले हमने बैक साइड का बेस कम्प्लीट किया वन लेंथ करके। अब हम फ्रंट में फेदर लुक देकर हमारा बेस कम्प्लीट करेंगे। उसके बाद देंगे हम लेयर, जिससे ये फेदर विथ लेयर हेयर कट हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हमने फेदर कट करने के लिए उसे गाइडलाइन निकाला। अब उस गाइडलाइन को क्रिएट कर रहे हैं। यह है हमारा गाइडलाइन। अब इस गाइडलाइन को हम दो भागों में डिवाइड कर देंगे। अब इसी गाइडलाइन को हम फॉलो करते हुए हमारा फेदर कट कंप्लीट करेंगे। तो देखिए काफ़ी कर्ली हेयर हैं, तो आप उसे अच्छी तरह से टैंगल फ्री कर लीजिए। अगर आप लोग टैंगल फ्री नहीं करोगे तो हेयर कट प्रॉपर नहीं होगा। तो मैंने काफ़ी टैंगल कंप्लीट करने के बाद उसे हेयर कट करना स्टार्ट किया है। तो हमेशा आप लोग टैंगल फ्री करके ही हेयर कट करिए। तो देखिए ये है हमारा फेदर। अब हम इसे वापस बैक साइड के जो हेयर्स हैं उसे भी आगे लेकर और उसे हम फेदर देकर कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हम किस तरह गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हमारा फेदर कट कंप्लीट कर रहे हैं। तो मैं हमेशा आप लोग को बोलता हूँ कि हेयर कट करने से पहले आप लोग हेयर को अच्छी तरह से शैम्पू और कंडीशनर कर लीजिए, जिससे आप लोग के हेयर्स कट करने में आप लोग को बहुत आसानी होगी। और दूसरी बात कि आप लोग जब उसे ब्लो ड्राई करेंगे तो उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो देखिए यह है हमारा फेदर। अब हम उसे अपोजिट साइड का जो हमारा हेयर है उसे भी हम सेम इसी तरह कट करेंगे। तो देखिए हमने गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम फेदर कट कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप लोग मुझसे और भी बातें करना चाहो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को पता है कि आप लोग जब मुझे अपना प्यार दोगे तभी मैं आप लोग के लिए वीडियो बना पाऊंगा। अगर आप लोग मुझे प्यार नहीं दोगे तो फिर वीडियो आने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे इतना ही प्यार दें जितना मैं आप लोग को वीडियो बनाकर दे रहा हूँ। तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और जो भी क्वेश्चन हो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है हेयर स्टाइलिश रोहित। देखिए हम फेदर कट कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद हम इसे लेयरिंग देंगे। तो ये है हमारा फेदर। देखिए कितना ऑसम रिजल्ट है, कितना कर्ली हेयर था। फेदर कट देते ही हमारे कर्ल्स काफ़ी हद तक कम हो चुका है। अब हम इसे लेयरिंग देंगे। तो फेदर विथ लेयर में लेयर्स हमें देना है क्राउन एरिया से, जो कि हम क्राउन एरिया से राउंड सेक्शन बनाकर हम पहले क्रिएट करेंगे हमारा गाइडलाइन। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि सबसे पहले गाइडलाइन क्रिएट करिए और उसके बाद उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हेयर कट को कंप्लीट करिए। तो देखिए यह है हमारा गाइडलाइन। हमने हाफ राउंड लिया और इसे 90 डिग्री में हम इसे करेंगे कट। तो जितना भी लेंथ हो उस हिसाब से हमें लेना है। अगर किसी को शॉर्ट चाहिए तो और शॉर्ट लीजिए, बट इनका लेंथ थोड़ा लॉन्ग है तो हम ज़्यादा शॉर्ट नहीं करेंगे गाइडलाइन, और गाइडलाइन को हम थोड़ा लॉन्ग ही रखेंगे। अब इसे दो भागों में बांट दिए। अब इसी को हम फॉलो करते हुए वर्टिकल सेक्शन में सारे हेयर्स को कट करेंगे और हमारा हेयर कट कंप्लीट करेंगे। तो देखा आपने, सबसे पहले मैंने वन लेंथ किया, उसके बाद मैंने फेदर दिया, अब उसके बाद मैं उसे लेयरिंग कर रहा हूँ। जब हमारा हेयर कट कंप्लीट होगा तब ये फेदर विथ लेयर हेयर कट हो जाएगा। ये देखिए
अब हम इसे 90 डिग्री में जो हमने गाइडलाइन तैयार किया था उसको हम 180 डिग्री में कट कर रहे हैं, क्योंकि जब हमारा नेप साइड का एरिया जब ऊपर की तरफ जाता है तब वो 180 डिग्री में हो जाता है। तो आप लोग को पता रहना चाहिए कि किस साइड का हेयर जब किस साइड जाएगा तो आपका कौन सा डिग्री क्रिएट होगा, जो कि ये बहुत ज़रूरी है आपको हेयर कट में पता रहने के लिए। तो मैं आप लोग को आपके नॉलेज के लिए बता दूँ कि जब आपका क्राउन का एरिया ऊपर की तरफ जाएगा तब वो 90 डिग्री में होता है, बट जब वो नेप साइड का एरिया स्ट्रेट ऊपर जाएगा तो 180 डिग्री में होता है। तो देखिए हमने इसे कट किया 180 डिग्री में, हमने सिर्फ 90 डिग्री में हमारा गाइडलाइन क्रिएट किया था लेकिन हमारा हेयर कट होगा 180 डिग्री में। देखिए हमने इसे प्रॉपर कट किया, देखिए फेदर आपको दिख रहा होगा कितना प्रॉपर तरीके से फेदर दिख रहा है। इतना कर्ली हेयर्स होने के बावजूद भी हमारा हेयर कट कितना ऑसम आ रहा है। जब हमारा हेयर कट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम इसे ब्लो ड्राई करेंगे इन में, जिससे हमें फेदर लुक आएगा। तो मैं आप लोग को ब्लो ड्राई दिखाऊंगा, उससे पहले देखिए ये लिया हमने 180 डिग्री में और इसे हमने किया कट। देख रहे हैं 90 डिग्री में सिर्फ गाइडलाइन तैयार करना है और उसके बाद में 180 डिग्री में पूरा कट होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं फेदर विथ लेयर हेयर कट। देखिए ये है हमारा, देखिए कितना फेदर आ रहा है। तो आप लोग को मैं फिर से बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी नए वीडियो आए वो आप लोगों से छूट ना जाए, आप लोग उसे अच्छी तरह से मिलते रहे। तो मैं आप लोग को बताऊँ कि ये हेयर कट बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो आप लोग मुझे इतना प्यार दीजिए ताकि मैं आप लोग के लिए और भी वीडियो लाता रहूँ। तो देखिए हमारा लेयरिंग चालू है, अभी हमारा लेयरिंग कंप्लीट होने के बाद हम इसे करेंगे ब्लो ड्राई। तो हमने इसे प्रॉपर 180 डिग्री में, लास्ट सेक्शन है हमारा, इस लास्ट सेक्शन को कट करके हमारा लेयरिंग कंप्लीट करेंगे। देखिए हमारा हेयर में जो कर्ल्स दिख रहे थे वो काफ़ी कम हो गए हैं। मैं आप लोग को बताऊं कि ट्रेंगल हमेशा फ्री करके ही कट करना, अगर आप लोग ने ट्रेंगल क्लीन नहीं किया तो आप लोग का हेयर कट प्रॉपर नहीं होगा और हेयर्स उसमें रह जाएंगे, जिससे आप लोग का लुक नहीं होगा। देखिए कर्ल्स कितने कम हो गए, वाओ। ये है हमारा लेयरिंग। अब हम थोड़ा सा फ्रंट में फ्लिक्स कट करेंगे, जो कि मैं आप लोग को हमेशा बताता हूँ कि फ्लिक्स हमारे हेयर कट का बहुत ही मेन हिस्सा है, क्योंकि ये हमारा फ्रंट का हेयर्स को प्रेजेंट करता है, फ्रंट के हेयर को दिखाता है। देखिए हमने इसे किस तरह कट किया, सीजर को स्लाइडिंग करते हुए, हमेशा स्लाइडिंग करते हुए ही आप लोग को फ्लिक्स कट करना है। मैं आप लोग को एक फ्लिक्स कट पे भी वीडियो बनाऊंगा। देखिए ये हमारा सेक्शनिंग ब्लो ड्राई का, ब्लो ड्राई का सेक्शनिंग बहुत ही इजी सेक्शनिंग है ये। आप लोग को फ्लिक्स को कवर करना है, उसके क्राउन को, फिर दोनों साइड और फिर बैक साइड का। देखिए अब ने हमारा ब्लो ड्राई स्टार्ट कर दिया है, हमारा ये ब्लो ड्राई होगा इन में, क्योंकि ये हमारा फेदर विथ लेयर हेयर कट है। देखिए ये इन में हमने किया, इन में कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है, कितने कर्ली हेयर थे और अब देखिए हमारा फेदर कितना बढ़िया आ रहा है। जब हमारा देखिए हेयर कट कंप्लीट होगा तो आप लोग को रिजल्ट देखने मिलेगा। देखिए हमारा हेयर कट कंप्लीट हो गया है, हमने ब्लो ड्राई भी इन में कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसे ब्लो ड्राई करने के बाद हल्का हल्का सा नोचिंग देंगे, जिससे इसमें बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा, बहुत ही फिनिशिंग लुक आएगा। ये हम फिनिशिंग के लिए करते हैं, और अगर कोई हेयर्स रह गए हैं एक आधा तो वो प्रॉपर कट हो जाते हैं। देखिए ये हमारा फेदर, देखिए कितने कर्ली हेयर थे, उसमें कॉम्ब भी नहीं जा रहा था, लेकिन अब देखिए कितना सॉफ्ट और स्मूथ हो चुका है। अब इसे हम अच्छी तरह से कॉम्ब करेंगे और हम सीजर से करेंगे नोचिंग। सीजर से नोचिंग करना बहुत ज़रूरी है फेदर में, क्योंकि ये हमारा फ्रंट का फेस को अच्छी तरह से कवर करता है। हमने इनके फेस पे फेदर विथ लेयर इसलिए किया क्योंकि इनका जो फेस है वो काफ़ी बड़ा और काफ़ी ऊपर साइड में उठा हुआ है, इसके लिए हमने इस पर फेदर कट किया, जो कि इनका हेयर्स को अच्छी तरह से वो कवर कर लेगा। तो आप लोग फेस के हिसाब से हेयर कट कर दिए। देखिए ये हमारा हेयर कट कंप्लीट हुआ, ये है हमारा फेदर विथ लेयर हेयर कट। हमारी क्लाइंट भी काफ़ी खुश हैं हेयर कट से, ये है हमारा फाइनल रिजल्ट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।